गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे रिस्पेक्टेड रेणु खंटवाल मैम ने अपना एक वीडियो केस हमारे साथ शेयर किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, बहुत कुछ इस केस के थ्रू हमें सीखने को मिलेगा। जी वेलकम मैम, गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सर। तो मेरी आवाज आ रही है? तो, बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही है मैम। ठीक है। हमारी IHF फैमिली की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने आपका वीडियो केस हमारे साथ शेयर किया है। और ये शायद जहां तक मुझे याद है ये आपका सेकंड केस है। हाँ जी सर। जी तो पिछली बार हम डीसी नहीं कर पाए थे, तो मैम ने मुझे कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, तो जैसा मैम ने कहा था आज हमारे साथ है मैम। थर्ड केस इस ग्रुप में, थर्ड केस। ओके ओके जी सॉरी, तो थर्ड केस है। तो डीसी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैम, तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। और हमारे IHF की यही पहचान है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें सीखने की ललक बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। और अभी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रेणु खंटवाल मैम को इनवाइट करता हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। तो गुड इवनिंग एवरीवन। और सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी रिस्पेक्टेड मेंटर्स ऑफ द ग्रुप, डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर दिलीप चानी सर, डॉक्टर शशिकांत सर, अस्मा मैम, रंजीत सर, महादिक सर। और सबसे बहुत सीखने को मिलता है इस ग्रुप में, और बहुत क्लिनिक में अपने ग्रोथ भी बहुत हो रही है। सो सर मैं केस को नरेट करूं या सर आप केस रन करेंगे, कैसे सर? जी बताइए मैम आप। जी हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं आप सभी की तरफ से उनका वेलकम करता हूं। थैंक यू मैम। एक बार केस नरेट कर दीजिए ताकि जो भीसी होगा ना तो फिर उसके अंदर वो केसेस भी साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सर एक बार नरेट होगा, एक बार आप रन करेंगे या मैं सिर्फ नरेट ही कर दूं? ओके, आप कह रही हैं कि मैं वीडियो प्ले कर दूं? ठीक है मैं वीडियो प्ले करता हूं। ओके आवाज के बारे में बता दीजिएगा कि आवाज ठीक से आ रहा है या नहीं। सर अभी जी बताइए फ्रेंड। हाँ नरेट तो नहीं करना ना सर, आई थिंक वीडियो इज सफिशिएंट। जी अगर कोई किसी हमारे पार्टिसिपेंट को पर्टिकुलर कुछ पूछना हो जो समझ ना आया हो वो आप पूछ सकते हैं जहाँ पर समझ नहीं आया। और दूसरा अभी आपका जो भी एनालिसिस है प्लीज आप सभी लोग बताइए। सर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इस केस का थोड़ा सा बताती हूँ कि ये जो पेशेंट है ये मेरे को 6-7 साल से जानती है, और इस तरह से जानती है कि ये मतलब मेरा बेटा और ये इनकी डॉटर जो है एक ही स्कूल में थे। तो इन्होंने बहुत पहले मेरे से कोई मेडिसिन ली होगी, जब मैं माइंड मेथड में नहीं थी तो मैंने इनको थेरेपेटिकली मेडिसिन ये लेती थी मेरे से। बट कभी भी क्लिनिक में प्रॉपर कंसल्ट करने या इस तरह से बहुत ज़्यादा ये ऐसे कंसल्ट नहीं करती है। मतलब जब भी इनको मेडिसिन लेनी होती है तो ये कॉल पे बता देती हैं कि गार्ड रूम में मेडिसिन रख देना। और मैं इनको कई बार कहती भी थी कि आप प्रॉपर एक बार मेडिसिन लेने आओ। तो 2-3 साल पहले इन्होंने मेरे से छाले की मेडिसिन ली थी, और उस वक्त मैं माइंड मेथड में न्यू थी तो मैं थोड़ा बहुत समझ रही थी जैसे कि कैसे लेना है, रूब्रिक्स कैसे लेने हैं। तो इन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बताई थी कि फ़ोन पे केस टेकिंग हुआ था और बताया था कि मैं आपको छाले की पिक भेजती हूँ और आप इसको शेयर मत करना किसी के साथ, आप देख लो और तुरंत डिलीट कर देना। तो मैंने 2-3 रूब्रिक्स जो उस वक्त समझ में आते थे उस वक्त एक रेमेडी दी और इनको जो है उससे लकीली सारे छाले एकदम से ठीक हो गए। फिर ये 2-3 साल पहले इन्होंने अपनी डॉटर को उस स्कूल से, मतलब इंटरनेशनल स्कूल में इनकी डॉटर थी, तो ये उन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि इन्होंने अच्छे, मतलब प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में क्यों डाला। तो बहुत बार जैसे एज ए फ्रेंड ही है तो बताती है कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी, मतलब एक्टिविटीज होती हैं, बच्चे को मोटिवेशन मिलता है ये करके। तो फिर बट ये थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि वेल सेटल्ड फैमिली से है, हस्बैंड की अच्छी अर्निंग है, कुछ भी ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। तो ये फिर अभी जो मेरे पास आई है ये प्रॉपर इन्होंने मेरे से अपॉइंटमेंट लिया और कंसल्ट करने के लिए ये मेरे पास इस वक्त आई। और ये जो वीडियो है इतनी ही केस टेकिंग थी और इस पर मैंने रूब्रिक्स दे लगा के इनको रेमेडी दी थी। तो अभी कोई डॉक्टर पार्टिसिपेट करेंगे तो थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंडिंग बताइए। मैडम मैं बताऊं? हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। हाँ, ये जो लेडी है ना उसको अकेले रहने में डर लगता है और जब भी क्लोज रूम रहता है तो उसको घबराहट होती है। तो मैंने रूब्रिक लिए थे फियर नैरो प्लेसेस इन फियर अलोन ऑफ बीइंग। और ये कहती है कि सिर्फ मुझे क्यों होता है, मेरे जैसी बाकी सारी औरतें हैं उनको नहीं होता, लोग आराम से बैठते हैं। तो यहाँ पे एनवी रूब्रिक लिया। वो जब बता रही थी तो अपने हाथों से वो थैली की पकड़ी रही थी, कुछ तो पकड़ के रखा था, उससे खेल भी रही थी हाथों से, उंगलियों से। तो वहां पे मैंने गेस्चर्स में एक प्लेइंग विथ फिंगर्स लिया और वो उसको जब घबराहट होती है तो वो कुछ अलग सोचती है या फिर अपना मन काम में लगा देती है, तो उसको आराम महसूस होता है। इसलिए ऑक्यूपेशन एम्युलरेट लिया। जब भी किसी उस बारे में आपने पूछा तो उसको सोचने से भी घबराहट वापस होने लगी, तो एंजाइटी थिंकिंग अबाउट लिया है। एंड जनरल एक लिया है, जनरल रूम क्लोज रूम एग्रवेट। तो मेरा मैम कैल्केरिया का आता है। जी मैम, एक चीज क्लियर कर दूं मैम, वो जो खेल रही है ना एक्चुअली मेरे लैपटॉप की वायर ऐसी निकली हुई है तो सामने जब आते हैं हैंड्स पड़ जाते हैं, तो एक्चुअली वो प्लेइंग गेस्चर नहीं है। अच्छा ओके, ठीक है मैम। अच्छा एनालिसिस था मैम आपका, रूब्रिक्स भी आपने ठीक लगाए। थैंक यू मैम। और कोई पार्टिसिपेंट? तो गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, मैंने जो लिया है एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी और कैरेट डिजायर टू बी कैरेट, और जैसे जो वो बोल रही हैं कि दूसरे लोग ये सब कर पा रहे हैं उस चीज को मैंने लिया है एनवी, और फियर नैरो प्लेस इन, और जो कह रहे थे ना बंद के मुझे नहीं रहा जाता, लिबर्टिनिज्म और ऑक्यूपेशन एम्ब्लियोरेशन। और जैसे आप जब उनसे पूछ रहे थे वो बोल रहे थे मतलब नहीं पूछो मेरे को अभी भी हो रही है, तो वो मैंने लिए थिंकिंग एग्रावेशन। तो ये इससे रूब्रिक्स वाइज आई है इग्नेशिया, बट मुझे फील तो इग्नेशिया की नहीं लगी इसमें, मुझे फील जो लगी वो पल्स की लगी है। ठीक है मैम, ओके। हेलो, हाँ जी मैम, मैंने लिया पहला रूब्रिक एलिमेंट फ्रॉम एंजाइटी, क्योंकि ये बोल रही है कि मुझे डर नहीं है, एंजाइटी ज्यादा घबराहट होती है ना। दूसरा बताए थे कि मैं क्राउड एरिया में भी जाती हूँ तो मुझे घबराहट होता है, तो एंजाइटी क्राउडिंग है ना। और फिर बोली थी कि मैं विश्वास के साथ आई हूँ कि आप मुझे ठीक कर दोगे, तो मतलब कैरिड होना चाहते, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। कहते कि जब घबराहट होता तो किसी काम में मन लगा ली या बात कर ली तो ठीक होता है। तो एक ऑक्यूपेशन एम्ब्लियोरेशन है। और कहती कि सब लोग एरोप्लेन में घूमते हैं, चलते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, मंदिर भी जाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये उसका इनवी है। और एक और है हाँ, फियर नैरो प्लेस, बोली कि रूम यदि खुला है तो ठीक है, यदि जैसे बंद हो गई तो दिक्कत इसको होने लगती। तो ये फियर नैरो प्लेसेस, इतना में रूब्रिक लेने के बाद मेरा लाइकोपोडियम आ रहा है। ओके सर, एनालिसिस अच्छा है सर आपका, रूब्रिक्स भी करेक्ट है। रेमेडी थोड़ा सा फिर से थिंक करनी पड़ेगी। जी जी जी, मेरा थोड़ा पुराना वर्जन है ना मैम, न्यू वर्जन वाला सिंथेसिस है नहीं, कोई बात नहीं, देखते क्या आता है। जी सर हेलो हेलो जी मैम, सारिका मैम, हाँ जी मैम, हाँ मैम, मतलब इस केस में फियर से ज्यादा एंजाइटी है, क्योंकि आपने 2-3 बार उसको बोला कि फियर है तो उसको बोला नहीं एंजाइटी है, मतलब घबराहट हो रही है, तो फियर तो नहीं है, ये पक्का हो गया। अभी ये फियर सॉरी एंजाइटी में ये डायरेक्ट रूब्रिक दे रही है, मतलब क्लोज स्पेस में जहाँ पे भी क्लोज रूम है या क्लोज स्पेस है वहाँ पे हो रहा है, जैसे लिफ्ट बंद है या एरोप्लेन बंद हो जाता है तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है। और इसलिए कहा जहाँ पे भी डाइवर्ट हो जाता है वहाँ उसको अच्छा लगता है। तो उससे मैंने खाली 2 डायरेक्ट रूब्रिक देखे थे तो उसमें आयोडम आ रही है। ओके मैम, गुड इवनिंग मैम, मेरा एनालिसिस जी एलिमेंट फॉर एक्चुअली मेरे को आर्सेनिक एल्बम आ रहा है। कौन सी रेमेडी मैम? आर्सेनिक जी, ठीक है मैम, करेक्ट, आपका रूब्रिक्स करेक्ट है। पूजा मैम नहीं है, पूजा मैम को शेयर करेंगे। जी बोलिए फ्रेंड्स। हेलो मैम, गुड इवनिंग। जी मैम गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। इस पेशेंट में मुझे फील आया मैडम, तो एनवी का फील है स्ट्रांगली, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस है एंड शी वांट लिबर्टिनिज्म इवन दो शी इज टू मच सेंसिटिव, कि खाली आप बात भी कर रहे तो उसको घबराहट हो रही है। तो मुझे अर्जेंटिनम नेट्रिकम लग रहा है और डीडी में थुजा क्वेरी में डेल्यूजन डेलिकेट चीज। सर थोड़ा सा आप इसमें एंट्री अगर केस में करें तो थोड़ा हाउ द पेशेंट भी हमें एंटर करना पड़ेगा, कि पेशेंट किस तरह से बोल रहा है, किस टोन में बोल रहा है, वो आप थोड़ा सा बता सकते। रूब्रिक्स करेक्ट है बट थोड़ा टोन कैसा है पेशेंट का। ओके ओके। हेलो मैम। जी मैम। हाँ अब मैम मैंने जो रूब्रिक लिए हैं, एंजाइटी एंटीसिपेशन फ्रॉम कैरेट डिजायर टू बी कैरेट, अभी एक मत होता एंजाइटी कैरेट, और मुझे वो कंफ्यूजन माइंड कंफ्यूजन लगा उसका, जो वो बोल रही थी कि इससे हुआ होगा, मैं ऐसे बता रही हूँ बस, कि शायद इसलिए हुआ होगा, ऐसे जैसे दो बार उसने बोला, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में। और एनवी तो है ही है, वो दिख रहा था। तो लिबर्टिज्म जो आपने लास्ट में उनका क्लियर किया कि आपको ऐसा लगता है क्या कि आप जैसे बंधी हुई है ऐसा, तो मतलब उसे पूरा लिबर्टिज्म से चाहिए कि सब फ्रीली रहे मेरे साथ, जैसे सबको सब लोग नहीं डर रहे हैं, सब लोग जा पा रहे हैं, वैसे मैं भी करता हूँ। और उसको देख के उसको जेलसी आ रही, तो एनवी तो है ही है। ऑक्यूपेशन एमुलरेशन है, लास्ट में जो आपने क्लियर किया था कि आंसर एवर्जन टू आंसर, मगर वो अनग्रेटफुल भी लगी मैम, जैसे आपसे इतनी पहचान की थी, आपसे मेडिसिन भी लिया उसने, मगर फिर भी वो जैसे ना एक थोड़ा सा होता है लोगों में कि अरे मैडम ने किया है मेरा पहले भी, वो नहीं दिख रहा था मुझे। तो पल्स आर्स और कैल्केरिया आ रही है जी, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। जी और बताइए। राहुल सर कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ रेणु मैम मेरा तो पल्स ही है। आवाज आ रहा है मैम? हाँ गुड इवनिंग। पल्स टोटल केस पल्स का लग रहा है, और वो जो 2-3 साल से आपके पास नहीं आई था ना, तो पल्स ऐसा भी होता है उनका काम हुआ ना तो मूवी नहीं दिखा था, फिर जरूरत पड़ेगी तो आता है ऐसा तो। और जो फियर है, पल्स घबराता भी है कुछ, लेकिन दिखाता नहीं है कभी कभी, जस्ट डॉक्टर के सामने शायद बोला होगा आपके पास कि ऐसा उसके जो प्रॉब्लम है, और उसने ये भी बताया था ना मेरे के डिलीट कर दो, तो सिक्रेटिव में पल्स है या नहीं, लेकिन वो ऐसा भी होता है अपना कुछ छुपा के रखता है। हाँ सर मैंने वो एक्चुअली सिक्रेटिव ही लिया था, तब एक रेमेडी दी थी, पर सिक्रेटिव नहीं है ये। हाँ नहीं ये सिक्रेटिव तो नहीं लग रही बाद में, लेकिन बोलने से हाँ हाँ। पल्सेटिला जो है इतना मत पूछो ऐसा तो नहीं बोलेगी, तो बोलेगी कि पूछो, और मतलब जो टोन है पेशेंट का वो ऐसा नहीं है कि मत पूछो। पल्सेटिला को तो रहता ही है कि पूछो मेरे से थोड़ा, और भले उसको वो बोलने का टोन दूसरा हो सकता है। इसने तो बिल्कुल ही मेरे को मेरे पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि मत पूछो। मैम तो पल्स तो नहीं है चलो और किसी का एनालिसिस बताओ जल्दी जल्दी। चलो इसका टोन से आप थोड़ा एंटर कर पाए, इसका फील क्या है? जैसे ये बोल रही मत पूछो, बीच में भी काफी बार बात मेरी काटी है, वो क्या फील आया आपको? जी हाँ रश्मि मैम एक सेकेंड प्लीज। आप लोग ना थोड़ा पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तभी आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियर होंगे, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सभी जितना ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं करिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल केस। इरिटेबल हो सकते हैं ना? क्या हो सकती है? इरिटेबल ऐसा होता है कि मेरे सेंसिटिव पॉइंट को आप टच मत करो, मतलब टच मत करो। हेलो हेलो जी मैम। जी मैम मुझे तो हाँ मैम वो मुझे रूड लग रही है, उसमें रिफाइनमेंट की बहुत कमी है, तो इग्नेशिया तो नहीं हो सकती, सबमिशन नहीं है, यील्डिंग नहीं है, पल्सेटिला भी नहीं हो सकती, और बहुत क्रूड रेमेडी है मैम ये, कोई मतलब पे डॉक्टर को ही बोल रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, यहीं पे ऑब्जर्व करना क्योंकि हाँ, ये जो इसको पेश बोले। आपसे बात कर बोले समीना मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। ये बहुत रूडली आपसे बात कर रही है ना, तो उसको स्नैपिश बिहेवियर बोलेंगे? नहीं, रूड नहीं है बिहेवियर, बट ये है कि पल्सेटिला और वेनिला और ये बनने की कोशिश तो कर रही है। ओरल किलिंग वांट ऑफ मैडम क्या चीज? मोरल फीलिंग वांट ऑफ, बात ठीक से नहीं कर रही है आपसे, या इगोटिज्म होगा? नहीं, बात तो ठीक से कर रही, कोशिश तो कर रही है बात ठीक से करने की, कोशिश कर रही है, पर मन अंदर से कैसा है? रेवरेंस, लैक ऑफ। नहीं, एक्चुअली ये मेरी मतलब एक तरह से फ्रेंड जैसी ही है ना, तो खुल के बात तो कर रही है, बट फिर भी एक वो आ रहा है ना कि अंदर से मन थोड़ा सा उसका इरिटेबल नजर आया या नहीं आया? बिटर लगा मैम। हाँ यही मैम, अनग्रेटफुल जैसा है। मैडम सेंसोरियस? नहीं, सेंसोरियस नहीं हो सकती है, रेमेडी हो सेंसोरियस, बट मतलब एक मैं हाउ जानने की कोशिश कर रही हूँ कि हाउ में आपको पल्स या ऐसा इग्नेशिया या समथिंग ऐसा कुछ तो फील तो नहीं आया ना? एवर्जन टू आंसर। हाँ, एवर्जन टू आंसर है कि मेरे से मत मतलब मत पूछो, उसके बाद तो उसने बोला भी नहीं मतलब। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लगी आपको, स्ट्रेटली उसने रिफ्यूज कर दिया। बेसिक फील मतलब पेशेंट का क्या आया? बेसिक फील जैसे हम कहते हैं ना कि ये पेशेंट, एक वर्ड में हम बोलेंगे कि ये पेशेंट जो है ये वाली एनर्जी लेके आया मेरे पास अपने। मैम मेरी सुनो टाइप, डोंट इंटरप्ट, मेरी सुनो। हाँ मेरी सुनो। और टोन कैसा था? टोन मतलब टोन का जो बिटर था मैम, बिटर लग रहा था लाइक सुनने में। मैम अनग्रेटफुल टुवर्ड्स अनग्रेटफुल लगी उनकी टोन। इरिटेबल लगा या नहीं? इरिटेबल है मैम, इरिटेबल है। इरिटेबिलिटी मैम मतलब टू आंसर और एनवी। और जो मतलब बैटरी किस तरह से है वो हाथ मतलब थोड़ा आपने वो भी नोटिस किया होगा, हाथों का गेस्चर। रेस्टलेसनेस। प्लेइंग ले सकते हैं क्या? नागस्वामी का या आर्सेनिक जैसे लग रहा है मैम। मैम पल्स नहीं है, आर्सेनिक हो सकती है ये। अपनी प्रॉब्लम से इस वजह से हाँ। रेणु मैम आप किसको तो स्माइल दीजिए, थोड़ा सा क्लू मिलता जाएगा हमें। नहीं अभी तो हो गया है क्लियर, सबको टोन समझ में आ गया है पेशेंट का कि एटलीस्ट पल्स बनने की कोशिश की जा रही है, पेशेंट कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं इमोशंस को। ये मैम थोड़ा सा ना वैसे वाला सा ना ये मैम आर्सेनिक हो सकता है ये। हाँ, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग जो है ना इतना ज्यादा उसको उसका मन ही नहीं है कि कोई उससे बात करे, उसके बारे में पूछे। शी इज लाइक हाँ ये चीज थी कि मतलब मत पूछो, मैं परेशान हूँ, बस जो जो वो समझ आ रहा है वैसे दवाई दे दो। शी इज लाइक दैट। तो शी इज इरिटेटेड एंड शी इज कंट्रोलिंग हर इरिटेशन, वो अच्छे से प्रेजेंट ना कर रही है, बट इंटरनल वो इरिटेटेड है मैम। पल्स के बाद तो ये है ये रूब्रिक आएगा इरिटेबिलिटी क्वेश्चन बैंक। तो पल्स पड़ी है। एक मैंने जो रूब्रिक 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट है वो किसी ने लिए नहीं। बट चार्ट में सबके वो रेमेडी आई है। मैडम ये रिपल्सिव मूड है? हाँ, ये मतलब रेमेडी का ये एक शेड तो है, इस रेमेडी में ये सब चीजें हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक सबको फील तो समझ में आ गया है कि पेशेंट जो है इरिटेबल है, और वो जो प्रीति मैम ने बोला कि फटाफट दवाई दो और मतलब पूछो मत ज्यादा, और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश में बैठी हुई है। सो यही इसका ऑब्जर्वेशन है। रेणु मैम ओपनिंग नहीं ओपिनियन तो अदर में कैल्केरिया कार भी आता है ना, तो दूसरे मुझे क्या कहेगी? सर कैल्केरिया का वेल्थ कहीं पे दिखाई दिया आपको? और इसने लाइट एक हाँ लाइट डिजायर बिल्कुल भी कहीं पे भी लाइट नहीं मांगी मेरे से। हाँ वो तो नहीं दिखा। और कैल्केरिया भी शायद ऐसा नहीं बोलता मत पूछो, बल्कि कैल्केरिया भी बहुत सारी चीजें पूछने पे अच्छे से आंसर करता ही है। कैरेट डिजायर कैरेट पार्ट है मैम एंड बाइटिंग टम्बलर आर्सेनिक लग रहा है मैम। जी जी कैल्केरिया स्कूल नहीं चेंज करता था ना, सोशल पोजीशन की पड़ी है। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कूल क्यों चेंज करा, ये भी मुझे रेमेडी को क्रैक करने के बाद में समझ में आया। दो तीन चीजें बहुत अंडरस्टैंड करने वाली थी, स्कूल क्यों चेंज किया, पेशेंट क्लिनिक में क्यों नहीं आता है मेडिसिन लेने। एवराइज है ना, वो पैसे उसको खर्च करके तो वो आर्सेनिक की तरफ ही जा रही है वो, क्योंकि वो जिस तरह का ना पैसे खर्च करने नहीं और बस जो है तो दे दो फटाफट मेडिसिन दैट्स इट। जो कैरेट डिजायर है ना वो भी यही होना चाह रही कि फटाफट मुझे देके फाइनल करो मेरी प्रॉब्लम। सो दिस वाज कैरेट डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट, आर्सेनिकल को पल्सेटिला बना दिया मैम हम सब ने। क्योंकि वो एक मोड़, मैंने इसीलिए बोला कि वहां पे एक मोड़ आया था मत पूछो, यहाँ से टर्न हो गया केस। ऐसे जिस तरह से उसने टोन में बोला पूछो मत और एकदम से मुंह उधर कर लिया, तो दिस वाज कि पल्सेटिला ऐसे नहीं करेगी। तो मैं एनालिसिस अब प्रवीण सर मैं करूँ एनालिसिस। आई थिंक एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो आ गई। एक चीज पूछनी थी मैम आपसे कि अगर मान लीजिए पल्स होता है पेशेंट, सारी चीजें मैच करती है, तो जरूरी होता है कि वो रोके दिखाएगा ही दिखाएगा? नहीं मैम कभी नहीं। मेरे पास 2-3 मतलब पल्स के केसेस हैं, ऐसा रोना वाला कोई भी सीन नहीं है। बट ये है कि पल्स जो है पूछने पे ऐसा बिहेवियर नहीं करता कि मत पूछो वाला। अगर आप पूछोगे क्वेश्चन तो आराम से आंसर देता है। पल्स का लैमेंटिंग रहता है ना। जी जी मैम इसमें एक रूब्रिक मुझे जो लगा वो मैं बताऊं आपको, वो रेस्टलेसनेस अल्टरनेट विद अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि वो जैसे वो बता रही थी कि मुझे अभी ये प्रॉब्लम हो रही भी होगी तो ध्यान नहीं, वो मुझे एक लगा तो उसकी तरफ आर्सेनिक की तरफ गया था वो। बाकी तो रूब्रिक्स आप लोगों ने दिखाए। और एक रूब्रिक लग सकता है इधर कि एंजाइटी व्हेन एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। आप मुझे अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो भी मुझे एंजाइटी हो रही है, ऐसा बोला ना उसने। फिर भी एक इम्पोर्टेंट रूब्रिक है अभी जो वो आया नहीं है सामने, जो मुझे लगा कि इस पेशेंट के वर्जन से साफ साफ झलक रहा था। ये वाला रूब्रिक मुझे लगता है एस्केप अटेम्प्ट टू कि मैं बाद में बताऊंगी जब मैम। मैं ये भी बता रही थी आपको, ये आपको कह रही है कि मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, तो इसके लिए प्रेइंग वाला और रिलीजियस, जैसे आप बता रहे हैं कि 7-8 साल से ही मेरे पास है ये, तो रिलीजियस अफेक्शन वाला एक रूब्रिक लिया था मैंने साथ में, तो क्या ये इधर पे आएगा? मीना मैम। हाँ जी सर। हाँ जी सर। मैम आप सोचिए आप रिलीजियस पर्सन हो तो आपका बिहेवियर ऐसा होगा, रिलीजियस वाले तो बहुत आस्था में रहते हैं ना, बहुत श्रद्धा रहती है उनकी, वो देखती है फिर। ओके। बिजनेस टॉक हो सकता है कि मैं आपके पास आऊं। रेणु मैम मुझे लगता है आपको केस ओपन करना चाहिए। हाँ हाँ केस ओपन कर देंगे और उसके बाद फिर हाँ जी सर। तो मैं केस को जो है सबकी अंडरस्टैंडिंग वैसे क्लियर होगी आई थिंक। पेशेंट का हाउस सबने जान लिया है और रेमेडी तक सब पहुंच गए हैं। तो मैं केस को एनालाइज करती हूँ और केस का एनालिसिस मैं करूँगी हाउ, व्हाट और व्हाई ऑफ द पेशेंट। तो हाउ भी आई थिंक आप सबको समझ में आ गया कि पेशेंट का टोन बड़ा इरिटेबल है। पेशेंट अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है कि मतलब एक पल्सेटिला बनने की कोशिश है, मतलब अंदर से पेशेंट खिंचा हुआ है पर बाहर कैसे माइल्ड में मतलब होने की कोशिश हो रही है इसकी। तो यहाँ पे एक बिग रूब्रिक मैंने लिया था इरिटेबिलिटी। और पेशेंट जो जिस तरह से बैठा है ना अपने आर्म्स को बिल्कुल लॉन्ग करके, बिल्कुल हाथों को वो करके, तो वहाँ पे क्लिंगिंग, ग्रास्प एट अदर्स मैंने रूब्रिक लिया था। So this was the how of the patient. So अब मैं आपको बताती हूँ कि what of the patient क्या है। तो patient ने मुझे क्या कहा कि घबराहट होती है फिर भी क्यों होती है ना, तो ये क्या चीज़ है ना, ये है इसकी एंजाइटी हेल्थ अबाउट। पेशेंट को अपनी हेल्थ की बहुत एंजाइटी हो रही है इसलिए इसने बोला कि क्यों होती है। फ्लाइट में सब आराम से बैठ जाते हैं, मुझे घबराहट होती है। मंदिरों में भीड़ में लोग आराम से जाते हैं पर मुझे घबराहट होती है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एनवी। सो पेशेंट का जो एनवी जो है वो थ्रू एंड थ्रू पूरे केस में ही था। जब उसने मुझे भी बोला कि आप गाड़ी अच्छे से चला लेते हो तो ये आपको डर नहीं लगता, दैट वाज आल्सो एनवी। तो एनवी उसने बहुत जगह पे अपना शो किया है। सो दिस वाज द रूब्रिक एनवी। सो एनवी क्या फील होता है? डिसकंटेंटेड फील होता है कि जो पोजेशन दूसरे के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। So this was the envy। और ये रेमेडी जो है अपने IPR से भी एनवी रहती है। देन उसने बोला कि गला सूख जाता है, सिस्टम बंद हो गया है। सो यहाँ पे जो रूब्रिक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो रूब्रिक नहीं आया था। दैट वाज फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग। सो ये रूब्रिक थोड़ा सा साफ ही मतलब इस केस में साफ ही झलक रहा था। ये रूब्रिक चार्ट में आई थिंक किसी के भी नहीं आया। सो दिस वाज फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग। फिर पेशेंट ने बोला फ्लाइट ओपन है तो कुछ नहीं, जैसे ही बंद होने लगता है घबराहट होती है। सो जैसे ही बंद होने लगता है तभी उसको घबराहट सी होने लग जाती है। तो दैट इज एंजाइटी एंटीसिपेशन फॉर्म। ठीक है। देन फिर पेशेंट ने बोला जैसे डोर ओपन है तो मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं है पर कोई कह देगा कि यहाँ से निकलना नहीं है तो मेरा दम घुटने लग जाएगा। सो फियर सफोकेशन ऑफ एंड डिल्यूजन अरेस्टेड इज अबाउट टू बी। फर्दर जो पेशेंट ने कंटिन्यू किया कि घबराहट होती है अकेले रहने से, दैट इज एंजाइटी अलोनमेंट। आई थिंक ये रूब्रिक की चार्ट में नहीं आया। और फिर जब मैंने पूछा था कि 10 साल पहले क्या आपको स्ट्रेस था या लाइफ में क्या कोई चेंज आया, तो पेशेंट ने बोला मैं ना ओवरऑल पिल्स खाती थी, उससे लगा है कि मुझे उससे हो सकता है। और तुरंत पेशेंट ने क्या बोला कि ये तो मैं बता रही हूँ, पक्की बात नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। और साथ में ये भी बोला कि मिर्च मसाले खाने से भी हो जाती है या लोग कहते हैं ना कि स्पाइसी खाने से भी हो जाती है। सो ये पेशेंट की थ्योरी है। दिस इज द थ्योराइजिंग। इसको बहुत से डॉक्टर्स ने डिल्यूजन इंजरी ले लिया बट पेशेंट ने खुद ही ऐड कर दिया था कि बाकी मैं बता रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। सो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ द पेशेंट। फिर पेशेंट ने ऐड किया कि पेट फूल जाता है, डकार आते हैं। तो मैंने पूछा ठीक कैसे होता है? सो किसी से बात करने लग जाती हूँ या दूसरा काम करने लग जाती हूँ। दैट वाज ऑक्यूपेशन एमुलरेशन। और फिर पेशेंट ने कंटिन्यू किया मैं आपके पास उम्मीद के साथ आई हूँ कि आप मुझे ठीक कर दोगे। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लगता है कि लाइट डिजायर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइट डिजायर होता तो शायद वो ये बोलती कि मैं ठीक हो जाऊंगी, आप मतलब ये मुझे बताइए कि मैं ठीक हो जाऊंगी ना। सो ये लाइट डिजायर होता है। यहाँ पे क्या है, तुरंत उसने थोड़ा सा चेयर को आगे करके बोला, मैं आपके पास उम्मीद के साथ आई हूँ कि आप मुझे ठीक कर दोगे। ये थ्रू एंड थ्रू टॉकिंग बिजनेस ऑफ इस रेमेडी का है। फिर पेशेंट कहती है कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया तो भी घबराहट होती है। तो दैट इज द सिंपल रूब्रिक, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। और मतलब जब मैंने थोड़ा सा और उनको प्रोब किया कि किस सेंसिटिव एरिया में प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि आप मुझे अभी भी घबराहट हो रही है क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइट। तो दिस वाज आंसरिंग एवर्जन टू आंसर। तो ये रूब्रिक्स मैंने लिए थे उस वीडियो के, और ये मतलब ये रेमेडी आई थिंक अब क्लियर हो गई, आई थिंक। तो रेमेडीज क्लियर, रेमेडीज आर्सेनिक एल्बम। सो दिस वाज द व्हाट ऑफ द केस। तो अभी थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो भी स्कूल चेंज करना या पेशेंट का नहीं आना या पेशेंट को ये बोलना कि आप पिक्स देख लो और डिलीट कर देना फोटो, किसी को मत दिखाना, ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा वाई ऑफ द आर्सेनिक या वाई ऑफ द रेमेडी हम समझेंगे। सो क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजन शंकरन जो कहते हैं सर, जो आर्सेनिक एल्बम है ना, दैट इज बिलोंग टू द कैंसर म्याज़म। सो कैंसर क्या है ना, कैंसर इज कंट्रोलिंग द थिंग्स, ठीक है। सो आर्सेनिक को क्या कंट्रोल करना है, आर्सेनिक जो है वो बिलोंग्स टू द मिनरल रेमेडी। सो आर्सेनिक ऐसा क्या है जो कंट्रोल करना चाहता है अपना स्ट्रक्चर, राइट, इट बिलोंग्स टू द मिनरल किंगडम। सो इसके अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। सो अपनी यहाँ पे भी ये पेशेंट ने दिखाया कि फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था अपने, कहीं नहीं कहीं मतलब माइल्ड बनने की कोशिश कर रहा था, अपनी खिंच को वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो इरिटेट हो रखी थी बहुत, वो उसको ओवर कवर कर रही थी। और ये मेरे से ये चाह रही थी कि फटाफट रेमेडी दो और मुझे यहाँ से जाने दो। सो दिस वाज मतलब क्योंकि आर्सेनिक जो है पीरियोडिक टेबल में फोर्थ रो में और 15th कॉलम में है, तो इसकी जो फोर्थ रो की थीम्स हैं वो है सिक्योरिटी, टास्क, हाउस, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स। तो यही आर्सेनिक का कंट्रोल करने की चीज़ें होती है कि उसके हाथ से कुछ जाना नहीं चाहिए, उसकी हेल्थ नहीं जाना चाहिए, उसकी मनी लूज नहीं होना चाहिए, उसके रिलेशनशिप्स जो है वो पूरे रहने चाहिए, उसका आईपीआर उसको फॉलो करना चाहिए। सो इसी चक्कर में ये आर्सेनिक में जो है एंजाइटीज बढ़ जाती है। दिस इज द रीजन कि वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है और उसके लिए कुछ भी, और इसके लिए वो अटमोस्ट एफर्ट्स भी करता है, बहुत सेक्रीफाइसेस वो करता है सक्सेस को पाने के लिए। बहुत दूर तक आर्सेनिक सोच लेता है कि मेरे हाथ से चीज़ जाना मतलब इज इक्वल टू डेथ या डिस्ट्रक्शन, मतलब वो मेरा ही खत्म हो जाना जैसा है। तो ये आर्सेनिक को नहीं बर्दाश्त, और यही चीज़ें हैं कि जो आर्सेनिक में एंजाइटीज को बढ़ाती हैं। और 15th कॉलम में है तो वहाँ पे जो फीलिंग्स हैं वो है इरोडिंग की है, डैमेजिंग की है, डिस्ट्रक्टिव की है। तो इसको यही लगता रहता है कि चीज़ें जो है वो हाथ से निकलती जा रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों को बचाने में, कंट्रोल करने में आर्सेनिक की एंजाइटीज जो है इसीलिए हाई लेवल पे रहती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्सेनिक। और अभी थोड़ा सा आर्सेनिक का जो स्कूल का मैं बताऊंगी कि चेंज क्यों किया, जो कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। गवर्नमेंट स्कूल में डालना, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती है। इंटरनेशनल स्कूल से आप अगर बच्चे को इसमें डाल रहे हो गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसका कहना था कि वहाँ पे बच्चे को मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है। और अनदर थिंग इज कि बच्चा मतलब अच्छा सीखता है, अच्छा उसके लिए फ्यूचर अच्छा होता है। तो फिर बाद में मुझे ये उसने एक बार बोला कि बच्चे का माइंड सेटअप वो ऐसा कर देते कि वो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं जाए। मतलब उन्होंने बच्चे को डालने का जो मकसद था कि कल को डॉक्टर को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो गवर्नमेंट जॉब क्या रहती है, सिक्योर जॉब रहती है, ठीक है। आप ऑफिस गए नहीं गए आपका इनकम आता रहेगा। प्राइवेट जॉब में क्या रहता है कि एक अनस्टेबिलिटी है। तो इतनी दूर तक भी आर्सेनिक सोच लेता है। तो तब मुझे इनका ये समझ में आया कि अच्छा ये कारण है, क्योंकि ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। दूसरी चीज़ है जो छाले के लिए इन्होंने मेरे से रेमेडी जो मैंने उनको फर्स्ट दी थी, उस समय मैं माइंड मेथड को ज़्यादा जानती नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि मेरी पिक्चर आप तुरंत देखो और तुरंत डिलीट कर देना और फिर दवाई दे देना। तो उस वक्त मैंने सिक्रेटिव लिया था, बट अगर सिक्रेटिव होता तो मेरे से भी शेयर करने में बहुत बार सोचता। तो ये इसका सटल अगर सोचे आर्सेनिक का फस्टीडियस है, ये आर्सेनिक का फस्टीडियसनेस है आर्सेनिक की। तो ये चीज मुझे सटल में उसका समझ में आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्सेनिक। और नहीं आना, प्रॉपर कंसल्ट नहीं करना और गार्ड रूम में रख दो मेडिसिन, कॉल पे ही बात करना, तो ये एवराइज नेचर है, बहुत माइजर ये नेचर है कि ये भी लगता होगा कि कॉल करूंगी तो कम पैसे कम फीस देनी पड़ेगी और सामने बैठूंगी तो फीस ज़्यादा लगेगी। तो ये चीज़ भी आर्सेनिक सोच के चलता है। मनी को खर्च नहीं कर सकता, अपने फैमिली के बाहर वो मनी को जाने नहीं देना जा सकता। तो बहुत बार इन्होंने पेशेंट ने मेरे से जैसे पहले भी अपॉइंटमेंट लेती थी, आती नहीं थी क्लिनिक पर, तो जैसे बता दिया कि इस वक्त मैं आऊँगी बट आती नहीं थी, तो मुझे भी बड़ा इरिटेटिंग लगता था कि टाइम ले लिया पेशेंट ने और आया नहीं है। तो ये कभी कॉल करके बोलते थे मैं बैंक में अटक गई हूँ, मैं एटीएम मशीन में खड़ी हूँ। तो ज़्यादातर ये आर्सेनिक का जो है वो एम्बिशन इंक्रीज मनी टू मेक में रहता है, इसकी सोच बहुत मतलब मनी के आगे पीछे ही घूमती रहती है। और ये अपने आईपीआर को भी बिल्कुल भी खाली बैठता हुआ नहीं देख सकता है। तो एक अच्छा रूब्रिक है इसमें एंजाइटी सेडेंटरी फ्रॉम और एक और रूबरी है एंजाइटी राइडिंग वाली। तो दोनों ही चीज़ों में आर्सेनिक को ये चीज़ टॉलरेट नहीं है कि मेरा आईपीआर बैठा हुआ है और मैं घर से बाहर नौकरी कर रहा हूँ, मैं थक हार के आता हूँ और बच्चे जो है टीवी देख रहे हैं। दिस कांट हियर आर्सेनिक को, ये एनवी जो नेचर है इसका थ्रू एंड थ्रू बाहर भी और अपने आईपीआर के साथ भी रहता है। और एंजाइटी राइडिंग वाइल भी है क्योंकि इसको किसी पे भरोसा भी नहीं है, कोई ट्रस्ट इसको मतलब डिस्ट्रस्टफुल है ये रेमेडी। तो कोई दूसरा ड्राइव कर रहा होगा तो इसको फियर ऑफ डेथ भी रहता है कि कहीं मैं चले ही ना जाऊं। तो ये सब कारण है एंजाइटी के आर्सेनिक में। अभी ये पेशेंट मेरे पास प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अब इस वक्त क्यों आई थी ये मुझे फॉलोअप में पता चला। मैंने इनको बोला था कि आज आप इनको मैंने आज रेमेडी से 200 में दिया था, तो मैंने बोला था कल आप मुझे बता देना कि आपको कितना रिलीफ हुआ है। तो पेशेंट ने मुझे नहीं बताया, तो मैंने इनको मैसेज करके पूछा था कि कैसी है, तो इन्होंने बोला कि मैं 50 to 60% अब बेटर हूँ और मेरा पेन जो पेन हो रहा है अबॉर्शन के बाद जो पेन वो बता रही है वो भी ठीक हो, थोड़ा सा ठीक है। तो फिर 2 वीक के बाद जब मेडिसिन खत्म हुई इन्होंने फिर दोबारा क्लिनिक में नहीं आई फॉलोअप के लिए, इन्होंने मुझे क्लिनिक फिर से कॉल किया कि तो बात पता चली कि लास्ट मंथ इनके कजन सिस्टर की डेथ हो गई थी। और वो इनकी जो कजन सिस्टर है वो काफ़ी यंग थी, उनके छोटे बच्चे थे, अराउंड 32 ईयर्स की थी। तो एक्चुअली क्या था उस उनकी कजन सिस्टर को मैं भी थोड़ा सा जानती थी क्योंकि उन्होंने एक दिन मेरे से मैसेज व्हाट्सएप पे बात की थी कि मेरे को अपना क्लिनिक का लोकेशन भेज देना। तो इतनी सी बात हुई थी उनकी कजन सिस्टर से, तो मैं भी जानती थी और मैं भी शॉक थी। तो आई वॉज आस्किंग कि हुआ क्या उनके साथ, और ये रिवील नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये उनका सेंसिटिव पॉइंट था कि यहाँ से ये मेरे को मतलब इनकी एंजाइटी उसको सोच के उसको बता के और बढ़ रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे क्लिनिक पे भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, बट फॉलोअप में वो रीज़न मुझे पता चला कि ये क्यों प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहती है, क्यों दिखाना चाहती है, क्योंकि इनको उसको देखकर ऐसे लगा कि ये मेरे साथ भी होना चाहिए। फियर ऑफ डेथ आर्सेनिक में हाई पीक पे रहता है। सो ये सारे रीजंस ये रेमेडी को पता करके ये सब रेमेडी इस पेशेंट की समझ में आई। आर्सेनिक का एक और भी पेशेंट है जो मैंने ऐसा ही था, वो एक्चुअली उनका क्या था कि एक और शेयर कर देती हूँ केस में। तो 70+ वो मेल पेशेंट है, उन्होंने क्या किया कि 4 to 5 years मर्चेंट नेवी में जॉब किया। उसके बाद उन्होंने उस जो भी उनके पास पैसा आया उससे उन्होंने छोटी मोटी प्रॉपर्टीज जगह जगह खरीदी, और जैसे मान लो कि आज छोटे छोटे प्लॉट्स खरीद लिए उससे। मतलब आर्सेनिक बहुत लंबा सोचता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर ये था कि उन प्रॉपर्टीज को उन्होंने धीरे धीरे जैसे आज 1 लाख की खरीदी और कल 6 लाख में बेच दी। तो ये क्या था इसका कि ये एम्बिशन जो इंक्रीज है मनी टू मेक, ये सारी लाइफ आर्सेनिक का जाता नहीं है। और मर्चेंट नेवी में क्यों गए कि गवर्नमेंट जॉब है, आगे जो है गवर्नमेंट फैसिलिटीज सारी उम्र मिलती रहेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में इलाज होता रहेगा, कैंटीन का जो ग्रोसरीज के वो अवेलेबिलिटी होती है वो सब मिलती रहेगी। और ये चीज़ ये जो पेशेंट में मुझे ये जो सेकंड पेशेंट में बता रही हूँ इनका मुझे समझ में आया। बट अभी भी वो 70+ में हैं और अभी भी वो दे आर डूइंग बिजनेस और पैसे ही कमाने में लगे और पैसे को इन्वेस्ट करने में लगे। तो ये जो आर्सेनिक है कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। इसमें एक बहुत अच्छा रूब्रिक भी है, वो थोड़ा सा डिल्यूजन हाउस करके कुछ है। तो ये मतलब डिसकंटेनमेंट और मतलब ये हैप्पीनेस को ही ढूंढते रहते हैं, बट ये पूरी लाइफ अपनी पैसा कमाने में निकाल देते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट. मैम डेल्यूशन क्या बोला आपने? आर्सेनिक में क्या डेल्यूशन है? अभी लास्ट सेंटेंस वो प्रवीण सर बताएंगे, वो कौन सा रूब्रिक एक बहुत अच्छा है. हाउस में वो खुश नहीं रह सकता अपने हाउस में. ओके मैम, थैंक यू. एक रूब्रिक है उसमें, वो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में. Delusion never happy in one house ऐसा है. ठीक, दोबारा सर शेयर करना, दोबारा बोलना. Delusion house he is not happy. Delusion never happy in हर ओन हाउस ऐसा. जी जी सर, हाँ यही होगा, यही होगा. कभी भी वो खुश नहीं रह सकता, हमेशा डिसकंटेनमेंट में रहता है, हमेशा पैसे के पीछे ही भागता रहता है और इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने में लगा रहता है. और ये इस केस का भी यही चीजें थी कि चीजों को, हेल्थ को कंट्रोल में करना है, मनी को कंट्रोल में करना है, और उस चक्कर में क्या होता है, इसकी एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाते हैं. ये मतलब हाथ से गया, लूजिंग मतलब इसके लिए एक डिस्ट्रक्शन है. सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्सेनिक. और आज का केस भी आर्सेनिक था, जो कि पल्स और कैल्केरिया और जो डीडी रेमेडीज आ रही थी स्ट्राम, उनसे आई थिंक क्लियर हो गए होंगे डाउट. तो अगर किसी के डाउट है तो पूछ सकते हैं. जी प्रवीण सर, मैंने तो बता दिया. हेलो मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. लाइट डिजायर वाला इसमें रूब्रिक समझ में आ रहा था, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया आपने? वो मैं सुन नहीं पाया था पहले, अभी लास्ट में ज्वाइन किया. जी नहीं सर, लाइट डिजायर तो नहीं है ना, ऐसा नहीं बोला ना एक बार भी कि मेरे को मैं ठीक तो हो जाऊंगी, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा एकदम से. आप उसके वर्ड्स देखो ना कि चेयर को भी आगे किया. आप अगर थोड़ा सा दोबारा वीडियो को आप ऑब्जर्व करेंगे तो बिजनेस वाली बात उसने आगे चेयर करके बोली है कि मेन मुद्दा तो यही है ना. मुद्दा क्या था? ठीक करो और मेरे को यहाँ से भेजो, फालतू के क्वेश्चन मत पूछो. तो मैं आपके पास उम्मीद के साथ आई हूँ, आप मुझे ठीक कर दोगे. तो दिस वॉज ऑल टॉकिंग बिजनेस ऑफ मेन तो बिजनेस यही था उसका. और जो कह रही है कि मत पूछो, दैट इज कि भी आप ये चीजें मत, मतलब वो ओवर कवर कर रही है फीलिंग्स को, इमोशंस को, माइल्ड बनने की कोशिश कर रही है. पर आखिरकार जब मैं पूछती रही तो आखिर वो उसकी इरिटेबिलिटी बाहर आ ही गई थोड़ी सी, और फिर उसने उसको कवर किया. तो यहाँ पे लाइट डिजायर नहीं. Very nice मैम, बहुत अच्छा रहा. थैंक यू मैम, बहुत प्यारा था. आई थिंक एवरीवन अब क्लियर, सबको क्लियर हुआ. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. थोड़ा सा एक बात मैं बोलना चाहूंगा इसमें, वो जो रूब्रिक आपने बताया ना कि आर्सेनिक अपने घर में कभी खुश नहीं रहता है ना प्रवीण दा, यही रूब्रिक है ना? आर्सेनिक की नेवर हैप्पी नहीं था, ऐसा कुछ रूब्रिक है. जी सर, है सर. हाँ, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है ना, आर्सेनिक बहुत क्रिटिकल होता है, छोटी छोटी बात पर सबको जो है ना परेशान करता है. और प्लस बहुत ज्यादा उसकी गजब की प्लानिंग होती है, तो उसको फियर नोच कट होता है ना, तो अपने इज्जत बाहर में इतना अच्छा बना के रखता है, लेकिन घर में जो है लोग जो है उसको पसंद नहीं करते हैं. कि कहीं ना कहीं बाइटिंग टम्बलर है ना, जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है आर्सेनिक की, जो सबसे ज्यादा मदद करता है, एक समय उसी को बाइट करता है. तो जैसे मान लीजिए 4 लड़के हैं आर्सेनिक के, ठीक है? तो अब क्या होता है कि वो बड़ा लड़के ने मान लो, या छोटे लड़के ने, किसी ने एक बहुत अच्छे से जिम्मेदारी संभाली, उसने सभी भाइयों को खड़ा किया, अपने पैसे देके वो मकान बनवाए, प्रॉपर्टी बनवाई. अब क्या होता है ना, आर्सेनिक बंटवारा करते समय जिस लड़के ने कौन सी 1 मिनट तो वह जो है ना क्या करेगा कि जिसने उसको सम्मान ज्यादा दे रहा है उससे उसको डर नहीं है, लेकिन जिससे डर है कि ये इसको यदि हम नाराज करेंगे ये मेरी नाक जो है बाजार में खड़ा देगा, तो वो फिर उसकी तरफ ज्यादा ये करता है, और जिसने सब कुछ किया उसी को छोड़ देगा। तो और जिसको दिया है वो सेल्फिश है। तो अल्टीमेटली आपकी आवाज चली गई मनोज सर। हाँ हेलो, हाँ वो एक पेशेंट आ गया था। ठीक है, तो आर्सेनिक के साथ यही पंगा होता है कि घर में किसी के साथ उसकी जो है ना, अब मान लो जिसने उसको बहुत ज्यादा सम्मान दिया, उसको मैंने एक मान सम्मान दिया कि नहीं हमारे पिताजी हैं, इनको हमें देखभाल करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, तो उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हुआ, और उसी ने क्या किया, उसी की पैसे से सारी बिल्डिंग बनी है, और प्रॉपर्टी बंटवारा करते समय क्या किया उसने, उसी को बात दे के बाकी के नाम से बांट दी। तो अब क्या होगा, जिसको बाइट किया वो तो टम्बलर था ना, उसने भरपेट सबको खिलाया था, आर्सेनिक के पूरे फैमिली को सजाया था, उसी ने उसी को ऐसा काटा है कि उसको एकदम पंगु कर दिया, तो वो भी अब नाराज हो जाएगा। तो अब सबका व्यवहार तो आर्सेनिक के साथ बदल जाएगा ना। कुछ लोगों का व्यवहार पहले से ही अच्छा नहीं था, क्योंकि वो बहुत परेशान करता था, छोटी छोटी बात पे मीन मेक निकालता है, और एक आध जो बंदा जो थोड़ा सा सोचता भी था उसके साथ भी उसने ऐसा काम किया है कि वो भी धीरे 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 उससे बात व्यवहार करना खराब कर देते हैं। तो इसलिए घर में आर्सेनिक जो है ना कभी भी खुश नहीं रहता है, लेकिन बाहर में आर्सेनिक का बहुत नाम होता है। बाहर में जाएंगे ना तो लोग आर्सेनिक को माने पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धा से देखते हैं। एक केस है मेरे पास एक आर्सेनिक के पेशेंट का, तो उसने ठीक जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही किया कि उसने सारी संपत्ति दूसरे के नाम, माने वो ऐसे बेटे के नाम थे जो सबसे ज्यादा नालायक था, और जिसने सबको करवाया, सबको एडजस्ट किया, सबको बिठाया, उसको एकदम जैसे निकाल के फेंक दिया, क्योंकि जो जमीन थी उसके नाम से थी, तो मकान उसके नाम से होगा, हमारी मर्जी हम किसी को देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, तो ऐसा करने के बाद सभी आगे जिसको मिला वो चूंकि स्वार्थी है, वो पहले से ही वो जहाँ वो हाँ वो पिता पिता करके जैसे सारी संपत्ति लिख गई, उसके बाद उसने भी उसे दूध की तरह मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब वो से ठीक है, क्योंकि मतलब तो निकल गया, अब क्या करना, तुम जाओ अपने घर। ठीक है, और जिसने उसको सपोर्ट दिया था उसको भी उसने नाराज कर लिया। तो ये आर्सेनिक के साथ होता है। तो अब ये पेशेंट एक बार क्या हुआ ना, एक बार किसी से मिलने गया, तो मिलने गया तो चूंकि इसका सम्मान बहुत था, समाज में बहुत ज्यादा सम्मान होता है आर्सेनिक का, तो उन्होंने इसे सम्मान किया, तो वो वहां फफक के रोने लगा। तो आई वॉज ऑल्सो देयर, कि पहुंचा हुआ था मैं किसी काम से, तो उसको देखा था मैंने, तो मैं पहचानता था उसको ऐसे। तो उसने बोला कि लोग जो है इतना सम्मान करते हैं, मेरा नाम करते हैं, और मेरे ही घर में मेरे बच्चे जो है वो मुझसे नाराज रहते हैं, मुझसे ठीक से बात नहीं करते। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि आर्सेनिक का खुद का व्यवहार इतना बुरा होता है ना अपने बच्चों के प्रति, अपने आईपीआर के प्रति, कि आईपीआर जो है उससे ठीक से बात नहीं करता, तो इसलिए वो खुश नहीं रहता। सो दिस इज द रीजन व्हाई आर्सेनिक इज नॉट हैप्पी एट ऑल इन हिज ओन हाउस। और इसीलिए एक और रूब्रिक है, देखिएगा मिलेगा, कि आर्सेनिक बाद में जाके अपने साथ बेटी के घर में रहता है, ऐसे सपोर्ट, ऐसा कोई रूब्रिक है, मुझे एग्जैक्टली रूब्रिक बेटी के पास जाना चाहता है सर। हाँ, क्योंकि अब बेटी बचती है ना जो उसे शरण दे सकती है, कि लास्ट में उसके अपने घर में उसकी जगह नहीं होती, लेकिन बाहर सम्मान बहुत होता है। बैठो। तो इसलिए जो है आर्सेनिक इज नॉट ऑलवेज हैप्पी इन हिज ओन हाउस, खुद वो सबसे पंगा लिया रहता है। थोड़ी थोड़ी बात पर आप किसी को टोकते रहोगे, किसी को परेशान करते रहोगे, ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, ये सफाई क्यों नहीं हुई, तो क्या होगा, वो चिढ़ेगा ना। तो ये जो रीजन है मेरे हिसाब से कि जिसके कारण से आर्सेनिक कभी भी घर में खुश नहीं रहता, लेकिन बाहर में लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। तो वैसा आपका केस बहुत बढ़िया था, वंडरफुल केस, और आपकी पकड़ और समझाने का तरीका बहुत वंडरफुल है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू मनोज सर हमें ये सिखाने के लिए कि आर्सेनिक अपने घर में क्यों ऐसा फील करता है कि वो खुश नहीं रह पाएगा। तो परसेप्शन था जो मेरे को केस से मिला है, तो इसलिए मैंने बताया। हो सकता है कि इसका अलग मीनिंग भी हो या और भी शेड्स हो, तो ये शेड मुझे मेरे आंखों के सामने गुजरा है, तो मैंने सोचा कि इसे शेयर करूं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत अच्छा केस था। थैंक यू सर। तो आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल to our respected Dr. रेणु खंटवाल मैम। बहुत ही वंडरफुल केस था, ब्यूटीफुल केस था। एक तरह से आर्सेनिक का क्लासिक केस हम बोल सकते हैं कि, और जो बहुत डीपली ऑब्जर्वेशन किया है मैम ने, जैसे बताया है आर्सेनिक की स्टेट को, उसकी इरिटेबिलिटी को। मुझे लगता है कि इस केस को देखने के बाद आप कभी भी आर्सेनिक को अपने क्लिनिक में मिस नहीं करेंगे। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इसकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करेंगे। प्लीज आप इसको दो तीन बार और देखिएगा कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। और मैम ने एक तरह से परफेक्टली जो खुद आर्सेनिक की भी वो फास्टिडियसनेस रहती है जैसे, उस तरह से बहुत डीप में जाके एक एक एस्पेक्ट इस केस का मैम ने एक्सप्लेन किया है। डीप ग्रेटिट्यूड मैम, वेरी नाइस, थैंक यू। और हमारी IHF फैमिली की ओर से हम सभी आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हम सभी को सिखाते रहेंगे, आपके ये प्यारे प्यारे केसेस हमारे साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे मैम। जी सर, बिल्कुल।